हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू मास्क को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यू मास्क स्टैंड्स फॉर यूनरी मास्क। अब यू मास्क को ज़्यादा डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल की हेल्प लेता हूँ कि एक्चुअली ये यू मास्क होता क्या है और किस पर्पज के लिए हम लोग इसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो यू मास्क स्टैंड्स फॉर यूनरी मास्क। देखिए दोस्तों, जब हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो उस फाइल और डायरेक्टरी पर यू मास्क जो है उसकी डिफॉल्ट परमिशन को डिसाइड करता है। यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम लोग किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, तो उस फाइल और डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशंस को अप्लाई करने का काम करता है यू मास्क। जैसे कि, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर टर्मिनल ओपन करता हूं और ls करके देखें तो मैं यहां पर एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करता हूं टच कमांड के द्वारा। टच स्पेस, मैं यहां पर एक विशु नाम से फाइल क्रिएट करता हूं, इसके बाद और एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं mkdir स्पेस मलिक। देखिए, मैंने यहां पर एक फाइल क्रिएट की विशु के नाम से और एक डायरेक्टरी क्रिएट की मलिक के नाम से। अब अगर मुझे ls स्पेस हाइफन l करके इन सभी फाइल और डायरेक्टरी की डीपली इंफॉर्मेशन देखूं, देखिए जरा, ये मलिक नाम की डायरेक्टरी है जिसको मैंने 2034 पर क्रिएट किया है, 25th ऑफ फेब को। इस डायरेक्टरी का साइज है 6 KB। इस डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप जो है वो रूट है। इस डायरेक्टरी का ओनर यूजर जो है वो रूट है। और इस डायरेक्टरी के अंदर दो सब एंड डायरेक्टरीज है और मेन पॉइंट जो आता है वो ये आता है दोस्तों। अब जब भी हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, या फिर जैसे कि विशु नाम की अभी हमने एक फाइल क्रिएट की, तो किसी भी फाइल और डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई करने का जो काम करता है दोस्तों वो है यू मास्क। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो फाइल और डायरेक्टरी हमने क्रिएट की, अब कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐसी होती होगी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो किसी भी फाइल और डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशंस को अप्लाई करता है। देख सकते हैं, जस्ट हमने अभी क्या किया था, जस्ट एक फाइल क्रिएट की और डायरेक्टरी क्रिएट की, इसके अलावा हमने कुछ नहीं क्रिएट किया था या कुछ नहीं किया था इन फाइल और डायरेक्टरी पर, लेकिन इन फाइल और डायरेक्टरी पर कुछ डिफॉल्ट परमिशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। ठीक है दोस्तों, इन्हीं डिफॉल्ट परमिशंस को अप्लाई करने का काम करता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू मास्क किसी भी फाइल और डायरेक्टरी पर। अब ये करता कैसे है वो देखिए जरा। तो अगर हम लोग यू मास्क को सिंपल वर्ड में डिस्कस कर रहे, इट इज अ वैल्यू दैट डिसाइड द डिफॉल्ट परमिशन ऑन एनी फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल और डायरेक्टरी की बेसिक परमिशंस को डिस्कस किया था। रूट यूजर जब कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन जो अप्लाई होती है वो होती है 755, यही होती है। और रूट यूजर जब भी कोई फाइल क्रिएट करता है तो उस पर डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई होती है 644,
ये मैं आपको न्यूमेरिक नंबर में दिखा रहा हूँ, यहीं पर आप सिंबॉलिक मेथड में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनको अगर आप अच्छी तरह डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो इन्हीं पर बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो रूट यूजर की डिफॉल्ट परमिशन होती है डायरेक्टरी के लिए 755, और रूट यूजर के लिए फाइल की परमिशन होती है डिफॉल्ट 644। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई भी नॉर्मल यूजर डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस पर डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई होती है 775, और फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन होती है नॉर्मल यूजर के लिए 644। ठीक है, अब ये अप्लाई कैसे होती है? सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कभी भी यू मास्क की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं यू मास्क। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए मैं यहां पर चलता हूं, यू मास्क की वैल्यू को चेक करने के लिए यू मास्क टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसी अभी अगर मैं यहां पर देखूं, मैंने अभी रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ है करंट टर्मिनल पर, और यहां पर आप देख सकते हैं यू मास्क की वैल्यू जो है वो यहां पर आई है 0022। दोस्तों इस फर्स्ट वाली जीरो को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो यू मास्क की वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे वो केवल 022 डिस्कस करेंगे। दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट यूजर की डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू होती है 022, ये हमेशा ध्यान रखना, और 022 ही किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन डिसाइड करता है। अब ये कैसे करता है ये थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हमने रूट यूजर की डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू डिस्कस की। इसी तरह अगर मैं किसी अनदर टर्मिनल पर जाकर मैं एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करता हूं, जो कि मेरे पास में प्रीत यूजर है, और लॉगिन कीजिएगा यूजर नेम पासवर्ड डाल के। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। अब अगर मैं यहां पर यू मास्क टाइप करके एंटर की प्रेस करता हूं, अब आप दोस्तों यहां पर भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल यूजर की यू मास्क वैल्यू होती है। यहां पर भी आप फर्स्ट वाली जीरो को अभी स्किप कर देंगे तो नॉर्मल यूजर की जो यू मास्क वैल्यू होती है वो होती है 002। ठीक है, तो 022 ही किसी भी नॉर्मल यूजर की फाइल और डायरेक्टरी के डिफॉल्ट परमिशन को डिसाइड करता है। अब कैसे करता है देखिए दोस्तों, और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम लोग, यहां पर उसी फाइल में चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी यूजर की डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो जस्ट हम लोग कमांड यूज करते हैं यू मास्क। अब ये यू मास्क कैसे डिसाइड करता है किसी भी यूजर के लिए, चाहे वो नॉर्मल यूजर है या सुपर यूजर है, उसकी डिफॉल्ट परमिशंस को कैसे डिसाइड करता है, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट यूजर के लिए यू मास्क वैल्यू होती है 022, यही होती है। अब देखो, डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू फॉर रूट यूजर इज 022, ये हमने अभी कमांड के द्वारा डिस्कस भी की और देखा भी। अब ये यू मास्क वैल्यू कैसे डिसाइड करती है डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल और डायरेक्टरी। अब किसी भी डायरेक्टरी पर दोस्तों हम लोग मैक्सिमम परमिशन जो है वो 777 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्टरी पर मैक्सिमम परमिशन जो है हम लोग 777 ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग डायरेक्टरी की मैक्सिमम परमिशन में से रूट यूजर की यू मास्क वैल्यू लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें रूट यूजर की डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशन मिल जाती है। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं 777 में से 022 की वैल्यू को लेस कर देता हूं तो मुझे यहां पर वैल्यू मिलेगी 755, जो कि रूट यूजर के लिए डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन होती है। चाहे तो मैं थोड़ा सा यहां पर अगर आपको दिखाऊं, रूट यूजर के लिए डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है 755। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम डायरेक्टरी परमिशन में से अगर मैं रूट यूजर की यू मास्क वैल्यू लेस कर देता हूं तो मुझे रूट यूजर की डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग फाइल पर चेक करें,
फाइल पर दोस्तों हम लोग मैक्सिमम परमिशन जो है 666 अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं 666 में से रूट यूजर की यू मास्क वैल्यू लेस कर देता हूं या घटा देता हूं, तो मुझे रूट यूजर के लिए फाइल की डिफॉल्ट परमिशन यहां पर मिल जाएगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई है मुझसे नोट डाउन करने में। ये फाइल परमिशन है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो ये रूट यूजर के लिए डिफॉल्ट परमिशन मिल जाएगी मुझे फाइल पर 644। चाहे तो आप यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाकर दोबारा भी देख सकते हैं। डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है रूट यूजर के लिए किसी भी फाइल पर 644। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप रूट यूजर की डिफॉल्ट परमिशन देखना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम परमिशन में से, चाहे वो डायरेक्टरी की परमिशन है चाहे वो फाइल की परमिशन है, उसमें से आप यू मास्क की वैल्यू अगर लेस कर देते हो, तो आपको डिफॉल्ट परमिशन मिल जाएगी फाइल और डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें नॉर्मल यूजर के लिए, दोस्तों नॉर्मल यूजर, एक सेकंड, यहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, सॉरी। ठीक है, इसमें भी सेम वही फंडा हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। रूट यूजर की जो यू मास्क वैल्यू होती है, सॉरी, नॉर्मल यूजर की जो यू मास्क वैल्यू होती है वो होती है 022, सॉरी 002। ये होती है हमारी नॉर्मल यूजर के लिए यू मास्क वैल्यू। अब अगर हम लोग डायरेक्टरी की मैक्सिमम परमिशन में से नॉर्मल यूजर की यू मास्क वैल्यू लेस कर देते हैं, तो हमें नॉर्मल यूजर के लिए डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन यहां पर आपको मिल जाएगी 775। चाहे तो आप यहां पर भी देख सकते हैं 775 नॉर्मल यूजर के लिए जो डिफॉल्ट परमिशन होती है डायरेक्टरी पर। इसी तरह अगर हम लोग फाइल पर मैक्सिमम परमिशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से अगर मैं नॉर्मल यूजर की यू मास्क वैल्यू लेस करता हूं, तो मुझे यहां पर नॉर्मल यूजर की डिफॉल्ट परमिशन मिल जाएगी जो कि फाइल पर अप्लाई होती है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू मास्क वैल्यू किसी भी लाइनेक्स की फाइल और डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन को अप्लाई करता है। अब हम लोग अगर चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन भी चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।